अपनी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना, फोटो चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये सारा डिटेल खुद से चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। क्योंकि ये वीडियो इतना यहाँ पर आपको पसंद आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा देख लिया बट आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे देता हूँ, ये 100% आपके लिए सोल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप कमेंट कर देना भाई, ये वीडियो आपके सामने जस्ट डिलीट हो जाएगा कमेंट करने के बाद। मैं इसलिए बता रहा हूँ इतना श्योर होके, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राई किया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको रियलिटी भी बताऊंगा कि ये अपडेट जो है ना, ये सच में अपने मोबाइल से होगा या नहीं होगा। बोलेंगे भाई आप ये क्या बोल रहे, क्योंकि आपने सारा देखा है वहाँ पर हो रहा है, तो मैं आपको सच भी बताऊंगा, क्योंकि भाई सच जानना जरूरी है, अधूरा नॉलेज मत लेना, नहीं तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जो भी बताएंगे सही बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ना, सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि आपको मैं आपको बता देता हूँ, मैं जल्दी चलते हैं क्रोम पे, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं, यहाँ पर आपके साथ ना, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास UIDAI की वेबसाइट है। सबसे पहले ये देख लें, मैं आगे की बात बाद में करूँगा। ये देखिए गवर्नमेंट का आईडी है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं जो बताता हूँ सच्चाई बताता हूँ, मैं किसी अपने व्यूअर को ना धोखे में नहीं रखता। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर भी कर देना भाई, जो बोल रहे हैं ना एक बार करके देखना, यहाँ पर आपको रियलिटी भी पता चलेगा टेक्नोलॉजी संबंधित जानकारी। इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, ये देखो इंग्लिश पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहीं पे सभी दोस्त यहाँ बोलते हैं आधार पे जाना है। भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ पे है भाई, आधार अपडेट, ये आधार अपडेट, ये देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे आधार कार्ड का अपडेट दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो क्या होता है, इसमें लॉग इन करने के लिए बोला जाता है, इंटरनेट मोबाइल नंबर ऐसे ही कैप्चा ये, और उसके बाद आपको इस डिटेल के साथ बताया जाता है ना, तो और आप लोग देखते रहते वीडियो देखते रहते, भाई इनका हो गया, आप कमेंट जाएंगे मेरा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, होगा क्यों नहीं, सबका होगा। इसलिए आपको सबसे पहले मैं बैक चलता हूँ और यही वेबसाइट पे मैं सबसे पहले नीचे आऊँगा। जैसे ही नीचे आऊँगा ना, यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा एक कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर UDI के, हो सकता है आप दोस्त कॉल नहीं करते होंगे बट मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए है टोल फ्री नंबर है, ये वेबसाइट है, बाकी के तरह ये बिहार की तरह नहीं है कि ये कॉल नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉल लगता है। तो यहाँ पर चलिए मैं बात करता हूँ और यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे मतलब बात करना है और क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या आधार कार्ड में नंबर चेंज होता है, क्या फोटो अपडेट होता है, क्या एड्रेस चेंज होता है, ये सारा डिटेल ही जानना है ना भाई, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, चलिए कॉल लगाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट में जो अंक दबाना है वो 9 है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और बिना यहाँ पर स्किप किए हुए यहाँ पर पूरा सुनते हुए जाएंगे। अनुरोध स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। आधार सेवा केंद्र या स्थायी नामांकन केंद्र का पता जानने के लिए 2 दबाएं। मामला दर्ज करने या मौजूदा मामले की स्थिति की जांच करने के लिए 3 दबाएं। आधार से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 4 दबाएं। अन्य सेवाओं हेतु जारी रखने के लिए 5 दबाएं। भाषा बदलने के लिए 8 दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपके कॉल को दूसरे उपलब्ध प्रतिनिधि को दे रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है, मैं देव आपके किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? बोलिए सर, क्या मैं अपने आधार कार्ड में खुद से मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूँ? निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँ। समझ में आता है, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको। ओके, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी शिवम। शिवम जी, क्या मैं आपकी ईमेल आईडी जान सकता हूँ? ईमेल आईडी? आपके स्टेट का नाम जान सकता हूँ शिवम जी? बिहार। क्या मैं जान सकता हूँ जानकारी अपने लिए आप ले रहे हैं किसी और के लिए ले रहे हैं? मैं खुद के ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी जानकारी चाहिए ना। ओके, शिवम जी, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर विजिट करना है, अथवा जो होता है वही अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए 50 रुपए निकल जाए, जैसे 40 आ जाएगा और विद इन 30 डेज में आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। मैं खुद से चेंज नहीं कर पाऊंगा ना? नहीं सर। जैसे एड्रेस चेंज करना चाहूँ तो? एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट है तो, आधार के पोर्टल से myadhar.uidi.gov.in को लॉगिन करने के बाद। ओके सर, जैसे कि सिर्फ मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो? जी। और सर जैसे फोटो चेंज करना हो तो आधार सेंटर भी जाना होगा?
आप केवल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पर। नहीं सर, जानकारी तो पूरी चाहिए ना, जैसे कि मेरे को फोटो चेंज कराना हो या फिर मोबाइल नंबर, तो आधार सेंटर पर जाना होगा ना। जी जी सर, नहीं यही जानकारी चाहिए था ना सर। ओके, क्या मैं आधार संबंधित कोई और सहायता कर सकता हूँ? जी नहीं सर, धन्यवाद सर। सर मिस कॉल की फीडबैक के लिए भी कॉल को आईवीआर पर ट्रांसफर कर सकता हूँ सर जी। जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कस्टमर केयर से बात की और उसने बोला कि भाई सिर्फ आप जो है ना मोबाइल नंबर अगर आपका लिंक है तो आप सिर्फ एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर एड्रेस चेंज करने के लिए नहीं आ रहा तो आप कमेंट करना, मैं वो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक कर चेंज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ आधार सेंटर पर जाकर होगा, और फोटो चेंज करना चाहते हैं वो भी सिर्फ आधार कार्ड के सेंटर पर जाकर होगा। आप लोग ऑडियो अगर पूरा ध्यान से सुने होंगे तो वो ये बताया और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, किसी भी तरीका से नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात किया और वो ये जानकारी दिया। अब बाकी के वीडियो अगर देख रहे हैं कर रहे हैं तो भाई आप अपना जानो, क्योंकि मैं जो बताता हूँ रियलिटी बताता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसी बात पे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम दोनों के बीच एक दोस्ती का नाता होना चाहिए। और सब्सक्राइब करने से ना मेरा एक अलग ही उमंग हो जाता है और आप लोगों के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनता है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हैं भाई कर लो ना, क्या लगता है, एक सब्सक्राइब एक लाइक कर देना, क्योंकि जो बताते हैं सही बताते हैं। और आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं फिर बता देता हूँ कि आपका सिर्फ यहाँ पर एड्रेस चेंज होगा और बाकी का कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी। किसी का वीडियो मत देखना, क्योंकि जो बताया मैंने रियलिटी बताया और बाकी आप देख लेना, मैंने आपको सही जानकारी दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।